फ्रेंड्स, ये वीडियो ग्रुप डी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो 2019 में वैकेंसी आई थी इंडियन रेलवे में, कुछ 1.5 लाख वैकेंसीज आई थी ग्रुप डी के लिए, तो उनसे रिलेटेड वीडियो है ये। और क्योंकि इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अंकित यादव आए थे परसों मिलने के लिए, जो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने मिल करके कम्बाइनली एक पिटीशन डाली थी CAT में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, और वो इससे रिलेटेड थी कि आप लोगों का जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ था तो उसके मार्क्स जो फॉर्म है 2019 का फॉर्म है, जिसका एग्ज़ाम आज 3.5 साल के भीतर भी नहीं कंडक्ट हुआ है, उसमें मॉडिफिकेशन लिंक में अगर आप लोग को ये फैसिलिटी मिलती कि आपके मार्क्स अपलोड हो जाते तो आपको एक 20% का रिजर्वेशन जो है उस सर्विस में मिलता, ग्रुप डी वाले सर्विस में, जो आपको नहीं मिल रहा। जबकि दूसरे कुछ बच्चे हैं जिनका सर्टिफिकेट्स कंप्लीट हो चुका है, उनको वो मिल रहा है। तो ये पिटीशन सिर्फ इसी ग्राउंड पे फाइल की गई थी कि जो जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया है रेलवे से, तो उन लोगों को छूट मिले उस फॉर्म में ग्रुप डी के वैकेंसीज में। तो यही चीज़ एक डिमांड है आप लोगों की। तो अब क्योंकि आप लोगों ने पिटीशन फाइल करी CAT में, और CAT ने उसको फर्स्ट डे ही, मैं पता था मुझे कि किसी ने मुझे बताया था, तो वो अच्छी हियरिंग भी जैसा भी हुआ, लेकिन वो फर्स्ट हियरिंग पे ही वो CAT से डिसमिस हो गया। अब डिसमिस होने के बाद कोई था, एक मेरा थर्ड पर्सन, उसने मुझे बताया, फिर अंकित यादव जो कि पिटिशनर है इस केस में, मेरे से मिला, और फिर हम लोगों ने इश्यूज़ किए कि क्या क्या मैटर है, कैसे इसमें आप लोग को पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं, कि जो आप रिलीफ मांग रहे हैं वो मिल सकता है कि नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से आपको ये क्यों मिल सकता है, क्योंकि अभी तक देखो 3.5 साल में रेलवे ने कई बार इस चीज़ को डिले किया, पोस्टपोन किया कि अभी एग्ज़ाम करवाएंगे ग्रुप डी का, अभी करवाएंगे, तो अभी तक करवाया नहीं, बार बार पोस्टपोन होते रहा। अब जो एस्पिरेंट्स हैं वो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, बार बार अपनी तैयारी करते हैं, अपना मेंटली फोकस करते हैं, जो कि डिस्टर्ब हो जाता है बार बार उनके झूठे ओमिशंस के द्वारा। इल्लीगल ओमिशन एक टर्म होता है जिसमें कि रेलवे जो काम उसको करना चाहिए एज पर प्रॉपर वो नहीं करती, जैसे कि उनको एग्ज़ाम करवाना चाहिए था, 3.5 साल में नहीं करवा पाई है, जिस वजह से इतने जो एस्पिरेंट सफ़र कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, उसका तो कोई इलाज है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अब ये है कि टाइम बाउंड ड्यूरेशन में एग्ज़ाम कंप्लीट कराने का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो अब मैं सिर्फ ये करने वाला हूँ, क्योंकि अंकित यादव मेरे से मिल के बोला कि सर इसमें कम से कम 20,000 से 30,000 बच्चे हैं पूरे इंडिया में, इंडिया लेवल में, जो कि इससे अगर ये ऑर्डर आ जाता है तो इससे अफेक्ट होंगे, मतलब उनको उस 20% के कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा और मार्क्स मिलेंगे, ग्रेड्स मिलेंगे, और जिस ग्रेड्स के बेस पे ग्रुप डी में वैकेंसी में उनके अपॉइंटमेंट में थोड़ा फैसिलिटेशन मिलेगा, आसानी से हो जाएगा। तो अब इस ऑर्डर को अगेंस्ट में हम दिल्ली हाईकोर्ट जा रहे हैं, और दिल्ली हाईकोर्ट में मेन ग्राउंड्स यही है कि हमें ये चीज़ दिखानी है कि क्या कहते हैं, अगर आप अलाउ कर दें, अगर मॉडिफिकेशन लिंक को अलाउ करके हम लोग अपने मार्क्स अपलोड कर दें अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट्स के, तो एक तरीके से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसे देखो, जो कंट्री में जिस बच्चों ने रेलवे का कोर्स किया है उनकी ऑलरेडी स्किल्स है अपने पास, रेलवे की टेक्निकल ग्रुप डी की जो वर्क्स होते हैं उनके स्किल ऑलरेडी दे आर इक्विप्ड, तो उस चीज़ का इस्तेमाल हो जाएगा जब वो लोग उस फॉर्म को भर पाएंगे, मार्क्स अपलोड कर पाएंगे, और उनका बेनिफिट उसको मिलेगा, तो अल्टीमेटली कंट्री को बेनिफिट मिलेगा कि इन बच्चों को ट्रेनिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है आफ्टर जॉब प्रोबेशन पीरियड पे, ये पहले से ट्रेंड है। तो इसमें कोई भी अगर आज उसको अलाउ करती है तो कोई भी इसका फर्दर कंसिक्वेंसेस नहीं होगा, क्योंकि अभी भी ये फॉर्म अगर देखा जाए एज पर द स्टेज ऑफ द लॉ, तो अभी ये फॉर्म फिलिंग स्टेज पे है, फॉर्म फिल हुआ, बार बार मॉडिफिकेशंस हुई, 3-4 बार फॉर्म फिलअप हुआ है सेम फॉर्म, तो अभी भी वो फॉर्म स्टेज पे है, तो अभी कितने भी कैंडिडेट्स भर दें तो उसका कोई कंसिक्वेंसेस हार्मफुल नहीं होने वाला है। तो इस वजह से कोर्ट्स में सिर्फ इसी पॉइंट पे एम्फेसिस करना है कि कोर्ट अगर इस चीज़ को अलाउ कर देती है, इन जो 20,000 बच्चों का है, 20,000 बच्चों को अलाउ कर देती है फॉर्म भरने के, तो इससे कंट्री को फ़ायदा होगा, बच्चों का फ़ायदा होगा, हमारे लिए तो एक सिर्फ ये केस है कि बच्चे हैं, और लेकिन ये जो इतने बच्चे हैं इनकी लाइफ का सवाल है, इतने सालों से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता कि ट्रिब्यूनल का जो मेन पर्पस होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से जहाँ पे लॉ को बियॉन्ड में रख करके कॉन्शियस की बात करके देखा जाता है कि क्या इससे फ़ायदा होने वाला है नहीं होना, तो इन द वन लाइन इससे अल्टीमेटली फ़ायदा होने वाला है हर किसी को,
और रेलवे जो कि उनका इलीगल कंडक्ट हमेशा से है, इलीगल ओमिशन हमेशा से है, एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाने में, रिजल्ट देने में और भी बहुत तरीके की चीज़ों में, तो वो खुद ही जब डिफॉल्ट साइड में है तो उनका पनिशमेंट और उनका रिजल्ट बच्चे क्यों मतलब कि सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे अप्रिसिएशन की बात है कि आज तक कोई बच्चा रेलवे के मैटर्स को लेके कभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, क्योंकि पहले मैंने सोचा था फर्स्ट टाइम ये लोग बच्चे यहाँ तक आए हैं तो बहुत बढ़िया है, अब ये लोग थोड़ा उदास है कि यहाँ से डिसमिस हो गया पिटीशन, तो इससे कोई उदासी की बात नहीं है। हो सकता है कि फैक्ट सही से प्रॉपर ना रखे, हो सकता है कि कोर्ट ने टाइम ना दिया हो, जज ने, हो सकता है कुछ भी चीज़ें हो, तो उससे कोई, क्योंकि उसका अपीलेंट हाई कोर्ट होता है ट्रिब्यूनल का, तो हाई कोर्ट में हम प्रॉपर अच्छे तरीके से आर्गूमेंट्स करेंगे, सारी चीज़ें रखेंगे, तो इस चीज़ से ये सोचना कि नहीं यहाँ डिसमिस हो गया तो वहाँ भी क्या होगा पता नहीं, अब हम लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप लोगों को जिस तरीके का मैंने पढ़ लिया है सारी फाइल्स और पूरा जो लिस्ट ऑफ डेट्स है एग्ज़ाम का, कब निकला, कैसे फॉर्म हुआ, कैसे कितने बार चेंजेस हुए हैं, तो उसमें एक बहुत ही छोटा सा माइनर सा आपकी रिलीफ है कि उसमें मॉडिफिकेशन लिंक ओपन करके आप लोगों के सर्टिफिकेट्स के नंबर उसमें जुड़ जाएँ, ताकि वो जो एलिजिबिलिटी है उसको फुलफ़िल कर दें और आप लोगों का ग्रुप डी में इजिली सिलेक्शन हो जाए और सब किसी को रेवेन्यू हर तरीके से फ़ायदा हो। तो ये वीडियो एक स्मॉल वीडियो थी इसलिए ताकि बच्चों को एक होप मिले जो कि अभी पूरा लूज़ कर चुके हैं यहाँ के ऑर्डर के बाद, तो इसीलिए मैं अंकित का भी धन्यवाद करता हूँ कि अंकित भाई मेरे पास आया और इस पिटिशन को परसू कर रहे हैं हम लोग हाई कोर्ट में। और आप लोग बस फेथ रखें और अब नॉलेज रखें, कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर कि होएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ बस दिन भर से टाइम नहीं मिला था तो अभी वीडियो मैंने बना दी और मैं भेज दूंगा उनको। ठीक है।